गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम देंगे शौर्य को एक हेयर कट एंड संदीप की भी थोड़ी सी ट्रिमिंग करूंगी, वो भी मैं। छोटे छोटे आगे से दिखाओ जरा शक्ल अपनी। पापा पे काट के दिखाओ, ये आगे आ रहे ना, जाओ पापा दिखा। आगे से काटने हैं, पीछे से, आगे से भी काटने हैं? नहीं, आगे से कलर कर लो, कलर दिखाओ। मैं समझ गई, दिखाओ तो कॉम। ये जो पीछे वाले हैं, ये जो पीछे है, इनको एक जैसा करना है। लेकिन अब एक जैसे में कितने नीचे से करने हैं, ऊपर से करने हैं, कहाँ से करने हैं? आखिरी पॉइंट पे, आखिरी पॉइंट से बोलो तो। पापा पे चेहरे को नीचे कर लो। हाँ, अपने चेहरे को नीचे करो, उसको वो बोलते होंगे ना। अरे ये तो कैची से करूं या उससे करूं? ट्रिमर है ना, ट्रिमर से सीधे कट जाते हैं। यूं कर, ये सीधे तो ये ऊपर भी रखना है, कुट 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 ऐसे। देखो कुछ नहीं कर रही मैं, लेकिन सच में आपको बटन कहाँ है इसका? ये अच्छा, और ऊपर उंगली रख देना एक, ये करोगे ना तो ये नीचे ऐसे से करना, ठीक है? कोशिश कर रही हूँ मैं, फिर मुझसे मत कहना कि गलत काट दिए। ये नीचे जो चोंच निकल रही है, ये सुनो, वो कहाँ है आपका? है वो है ना, कंगा मम्मा। ये तो काफी लंबे हो रहे हैं ना, तो यहाँ से नीचे तक ले जाओ, देखो मैंने सीधे सीधे काटे हैं। अब ये और नीचे तक काटने थे, ये मुझे पता नहीं है, मैंने नीचे से शुरू की थी, यहाँ पे एक लट रह गई, ये इधर वाली, ये दो लट रह गई थी, ये मुड़ गए। तभी तो कंघा काम आता है, कुछ चीजें करने के लिए। अब क्या करना है? अब इधर से काटना है। हाँ। कब करते हो? आपके भी कट कर दूंगी, ले आओ। टीके भी बड़े हो रहे हैं बाप, आपके जैसे बड़े होते जा रहे हैं। मेरे बाप अपने बाप भी गाना आज मामा सबके कट करेगी। देखो तो हो गया इधर, क्या हो गया इधर? अच्छा काट गया होगा, हो गया। अरे देख रही हूँ भाई, हो गया एक मच्छर, हो जो कर रही हूँ मैं उसी भी उन्हीं की काट रखी है। छोटे हो, हाँ पहले से तो बेहतर कर गई है, अब बताओ क्या काटना है? वो ऐसे बेहतर नहीं काटे, ऐसे करके अंकल ऐसे काट रहे थे, फ्लाइंग डिश में ऐसे करके ऐसे पकड़ के। अरे बड़े मस्त काट रहे थे, बस आगे से भी तो काट दो। अरे लाओ आगे से काटूं। चलो बेटा बैठो, कम शौर्य मामा कट करेगी। ऐसे करना, हाँ सही से करना। बाबा मुझे ये पहना दो। हाँ बैठो, अभी कभी तो पहनाएंगे। कम कम इसके ऊपर, बचपन में हम बैठते थे तो वो एक पट्टा लगाते थे चेयर पे और फिर हमें उस पर बैठाते थे। बचपन में तो ना कोई गर्ल्स वॉइस कुछ नहीं होता था, ये की भी पहुंच जाते थे सब। ये लाइन जो है ना, वहां तो सीधी लग रही थी लेकिन अब मुझे ये अनइवन से लग रही है, ऊंची नीचे जा रही है।
और इधर के मुझे पता नहीं था, मेरे जो आओ बाहर निकल रहे थे वो कट किए थे। अरे आगे से थोड़ी काटे, पीछे से काटने हैं। ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं, इसको पता नहीं थे कैसे काटने पड़ेंगे। बैठा लो चेयर पे। चलो सॉरी। ये बैटरी डाल दो। आप डोरेमोन देखो। कैसे देखो? हाँ ऊपर कर। इसको तो पहले मुझे लगता है कैंची से काटनी चाहिए। नीचे करो एक बार। यहाँ शौर्य की हेयर कटिंग संदीप कर रहे हैं एंड संदीप ने ना थोड़े ज़्यादा ही नीचे से मतलब कट कर दिए, जैसे गर्ल्स के होते हैं ना वैसे करके, तो शौर्य बिल्कुल गर्लिश लुक आ रहा था। आगे से भी हमने उसके स्ट्रेट कट कर दिए थे और पीछे से भी। एंड शौर्य के साथ बच्चे जो शाम को खेलने आते हैं उसमें एक लड़की है, तो वो और शौर्य बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। मैंने कहा बिल्कुल गर्ल्स वाला हेयर कट दे दिया उसे। बीच के बाल हमें नहीं आता है काटना, तो सिर्फ हमने आगे से ट्रिम किए और पीछे से ट्रिम किए। शौर्य को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और पसीना आता है, तो इस वजह से ये नीडेड था। और बीच में वो बिदक गया था, नहाने भाग रहा था, नंगू पंगू हो गया है। अब फाइनली थोड़ा सा संदीप एक फिनिशिंग टच देंगे। हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किसी को कोई चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है। सॉरी फिर चुभेंगे, जल्दी नहा के आओ। देखो सब आपके हेयर टूटे पड़े हैं यहाँ पे, ये सब मुझे साफ करने पड़ेंगे। अभी मैंने झाड़ू लगाई है। नहीं बेटा जाके नहा के आओ, मैट अभी लगेगी, पहले मैं ये साफ कर दूं, झाड़ू लगाती हूँ। सो गाइस मैंने खाने में बनाए हैं दाल और चावल, बहुत देर दिमाग दौड़ाया, इन दी एंड दाल चावल ही समझ में आए। दोनों में चढ़ा के नहाने गई थी, चावल भी हो गए, दाल। लेट मी ओपन। काली मलका मसूर की दाल बनाइए और छोक के बनाइए पूरी, ऊपर से कोई छोक नहीं लगाना होगा। फॉर अ चेंज ऑफ फ्लेवर मैंने ये किया है, लगता है पानी ख़त्म हो गया, इसमें पानी डालो पहले। चावल तो तभी खोलूँगी, इसमें पानी डाले, थोड़ा सा ठंडा पानी। छोटा कुकर था ना इसलिए हो सकता है। तो दाल बिल्कुल परफेक्ट है, थोड़ा सा नमक कम है। और मैंने शौर्य के लिए पहले हल्की मसाले वाली निकाल लिए, मैं थोड़ा मसाले हल्के डालती हूँ। नमकदानी में भी नमक ख़त्म। अब मैं ना ग्रीन वाला नमक लाई हूँ जो लो सोडियम होता है, लेकिन उससे सेटिंग पूरी गड़बड़ हो जाती है क्योंकि फिर नमक ज़्यादा डालना पड़ता है, बड़ी मुसीबत है। खुल जा भाई खुल जा। डबल डालो तो बाद में मुझे लगता है वहीं की वहीं पड़ जाती है। इस बार मैं वो हेल्दी वाला नमक भी लेके आई हूँ, ये लॉट ख़त्म होगा तो मैं वो वाला यूज़ करूँगी, 100 रुपये किलो वाला जो नमक आता है। चलो थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं क्योंकि चावल के साथ खानी है तो फीकी लगेगी। नमक, हल्की सी लाल मिर्च, गरम धनिया, ये तो रहेगा, थोड़ा सा गरम मसाला, ये होगी हमारी लाल दाल। ये हमारा बिल्कुल सिंपल सा लंच, दाल और चावल। संदीप चावल चावल पसंद करते हैं तो मैं बना देती हूँ, मुझे पर्सनली चावल उतने पसंद नहीं है, बट ठीक है खा लेते हैं, लाइट खाना खाना चाहिए। ध्यान से बेटा खाना गर्म है, अभी राइस थोड़ी ठंडी होगी। है? थोड़ी ठंडी हो रही है, दाल तो ठंडी हो गई है, राइस ठंडी होगी। सही से बैठो, मैं नहीं दाल राइस दोनों मिक्स करके खाओ।
तो अब हम लोग लंच करने बैठेंगे। संदीप को मैंने पहले दे दिया था, पहले मैं शौर्य को खिलाऊंगी एंड ही इज़ वेरी नॉटी। अभी वो लगता है मेरे प्लेट में जो राइस है उसमें से खा रहा है, मींस अपनी प्लेट की राइस नहीं खाएगा, मम्मी की प्लेट में जो है वो खाएगा एंड वो भी चावल शौक से खा लेता है। तो मैं कोशिश करती हूँ दिन के टाइम राइस बनाऊँ और जब भी थोड़ी बच जाती है तो मैं बचा के भी रखती हूँ क्योंकि शौर्य पसंद करता है। ठीक है, तो अब मैं उसे खाना खिलाऊंगी एंड यहाँ पर बड़ी मुश्किल है, हम तीनों को अलग अलग टीवी देखना होता है। तो संदीप अपना मोबाइल में अमेजोन प्राइम में कोई सीरीज़ देख रहे हैं, इधर शौर्य का डोरेमोन चल रहा है एंड मैं अभी उसे खिला रही हूँ इस वजह से मैं कुछ नहीं देख रही हूँ। अदरवाइज़ मैं भी कुछ ना कुछ देखती हूँ, या तो मैं फ्लाइंग बीस संभावना सेठ इन लोगों के व्लॉग्स देखती हूँ, अदरवाइज़ आजकल मैं पाकिस्तानी सीरियल्स बहुत देख रही हूँ जो यूट्यूब पर आते हैं। पाकिस्तानी सीरियल्स मैंने 4-5 सीरियल्स देखे हैं, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं तो आजकल मैं वही देख रही हूँ। इसी तरह से अपना टाइम पास कर रही हूँ, थोड़ा कुकिंग में टाइम हो जाता है, बाकी बच्चे को संभालने में, पढ़ाने की कोशिश करती हूँ बट शौर्य भी नहीं पढ़ रहा है, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लेती हूँ, देखी जाएगी जब टाइम आएगा फिर से पढ़ा दूँगी, उसका सब प्रैक्टिस तो है ही, बस थोड़ी हैबिट छूट जाएगी क्योंकि अब मुझे लगता है कि समर वेकेशंस के बाद ही स्कूल जाना होगा एंड एज यू ऑल नो शौर्य का ऑलरेडी एडमिशन हो ही चुका है, तो बस अब सीधे नए स्कूल जाना होगा उन्हें जून जुलाई में जो भी होगा। सो गाइज़, पहले तो मैं काफ़ी रेगुलर वीडियोस बनाती थी और डालती भी थी, एवरीडे वीडियोस आते थे बट अब मुझे एक एक दो दो हफ्ते हो जाते हैं और मैं एक भी वीडियो नहीं बना पाती हूँ। थोड़ा सा जब से वो इंसिडेंट हुआ है मेरा इंटरेस्ट कम हो गया है, मेरा इतना दिल नहीं करता है चीज़ों को लेकर के, बट ठीक है, यू हैव टू गेट बैक टू नॉर्मल एंड मैं काफ़ी हद तक नॉर्मल आ गई हूँ। 2 से 3 महीने मुझे लगे हैं जैसे थोड़ा नॉर्मल होने की कोशिश की उसके बाद ये इशू आ गया। गाइज़, अभी मैंने बनाई है ये उबली अरबी की गीली सूखी सब्जी एंड मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, मेरा ब्लॉग चल रहा है तो ये गीली सूखी सी है और उसमें नींबू डाल दिया है। संदीप को नींबू ज़्यादा पसंद है, उनके लिए उनके बाउल में ऑलरेडी डाल के रखा है एंड गर्मा गर्म फुलके सेकने हैं। ये रहा आटा, आजकल मैं सारी सफाई खुद कर रही हूँ तो खाना बन जाए उसके बाद पापा से क्लीन करूँगी। बर्तन ये मांजे रखे हैं सिंक में, बस अभी के बर्तन हैं, ये सारे साफ करे हुए रखे हैं। चलिए रोटी बना लेते हैं, अब मैं सेकूंगी गर्मा गर्म फुलके एंड साथ के साथ खाना दे दूंगी संदीप को क्योंकि जब वो घर में रहते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ उन्हें गर्म ही खाना दिया जाए, मतलब मैं रोटी कभी भी सेक के नहीं रखती हूँ। एंड ये देखिए लाइटर जलाने का स्टाइल, अभी लाइटर ख़राब हो गया है तो मैं फूंक मार रही हूँ और उसके बाद लाइटर यूज़ करो तो ये जल जाता है, इसका रीज़न मुझे नहीं पता है, मैंने बचपन से देखा है मम्मी भाभी जब भी लाइटर ख़राब होता था वो ऐसे ही यूज़ करती थी। एंड इस बाउल में थोड़े से बॉयल वो रखे हैं राइस सुबह के और दाल रखी है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कुकिंग से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड जो मैंने सीखी नहीं है, मींस मुझे किसी ने सिखाई नहीं है बट मैंने अपने घर में देखी है इसलिए मैं वो चीज़ करती आई हूँ। अब मैंने रोटी सेक ली है तो मैं संदीप का खाना लगा देती हूँ, उससे पहले मैं एक बार अरबी को चख लूँगी उसका मसाला वगैरह क्योंकि ये लो सोडियम वाला, जब से नमक लिया है तो बहुत सेटिंग गड़बड़ हो रही है तो थोड़ा ठीक था, मैंने तभी ऊपर से थोड़ा सा नमक मैं और ऐड कर दूँगी कि फीकी ना लगे सब्ज़ी एंड बाकी संदीप की अपनी चॉइस है, अगर उन्हें लगेगा तो मैं नमकदानी उन्हें एक्स्ट्रा दे के चलती हूँ। पहले मैं बहुत तेज़ नमक खाती थी बट अब मैंने अपना हाथ रोका है एक अच्छी हैबिट के तौर में कि मैं नहीं चाहती कि मुझे इन फ्यूचर बीपी की प्रॉब्लम रहे क्योंकि ये प्रेगनेंसी में मुझे थोड़ा सा इशू आ गया था, तो इस वजह से मैं अपनी लाइफस्टाइल में बहुत सारे नेसेसरी चेंजेस लाती रहती हूँ जैसे भी मुझे लगता है। मैं शुगर और सॉल्ट दोनों ही मैंने लिमिटेड कर दिया है एंड मुझे लगता है कि एक हेल्दी हैबिट सबको डेवलप करनी चाहिए, जब कोई बीमारी आए उससे अच्छा है कि आप पहले से ही थोड़ी हेल्दी हैबिट्स रखोगे तो वो बीमारी आपके पास आएगी नहीं। ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी है। तो ये है मेरा डिनर, 3 फुलके, सूखी अरबी की सब्जी, थोड़ा रसा करा था, देखिए कितना गाढ़ा हो गया, ये सुबह की बची हुई मलका मलका मसूरी बोलते हैं, काली उड़द बोलते हैं पता नहीं, वो वाली दाल। तो ये मेरा है, संदीप ने खा लिया है, शौर्य अभी ड्रामे कर रहा है वो नहीं खा रहा है तो मैं ही खा लेती हूँ उसके बाद उसे खिलाऊंगी।